हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। देखिए इस ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2, इन दोनों को हमको सॉल्व करना है बिना कैलकुलेटिंग द क्यूब। इन सब इन दोनों का इन तीनों का ये -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब 5 का क्यूब बिना क्यूब को कैलकुलेट किए फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉर्म। बिना क्यूब निकाले आपको निकालना होगा। ठीक है, इससे इसको निकालने से पहले आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। इसका फार्मूला क्या होता है, एक एक्स क्यूब मतलब आइडेंटिटी होती है, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स होता है। ठीक है, अगर हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो हो जाए, जैसे यहाँ पर देखिए अगर एक्स की वैल्यू क्या लिया जाए, एक्स की वैल्यू यहाँ पर -12 है और यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी है 7 है और अगर जेड की वैल्यू देखा जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 है। यहाँ पर अगर आप एक्स प्लस वाई प्लस अगर जेड निकालेंगे तो मैं पेन चेंज करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू दी हुई है -12 फिर +7 और +5। अब देखिए 7 + 5 कितना हो जाएगा +12 और ये -12, इसका कट के क्या आ गया जीरो आ गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई जीरो आ गई। तो जब भी ऐसा होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला निकलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू ये -3xy उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +3xyz। और इसी आइडेंटिटीज़ का हमको क्या करना है यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जीरो हो जा रहा है, जैसे ही ये जीरो आ जा रहा है तो हम क्या करेंगे तुरंत इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे इज इक्वल टू लिखेंगे 3xy मतलब लिखेंगे क्या इसका इज इक्वल टू -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब और प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 3 × x। x की वैल्यू क्या हमारे पास है -12 इंटू वाई की वैल्यू क्या हमारे पास 7 और इंटू 5 की मतलब जेड की वैल्यू क्या है 5 है। अब इन सभी को क्या करिए बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12 × 3 = 36, 7 × 5 = 35 मतलब -36 और -35 और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई आप करते हैं तो कितना आ जाएगा -1260 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से सेकंड पार्ट को भी करना है। देखिए अगर आप देखें अगर एक्स क्या मान लें एक्स कितना दिया हुआ, एक्स दिया हुआ हमारा 28, वाई कितना दिया हुआ हमारा -15 और अगर आप ध्यान से देखें तो जेड हमारा कितना दिया हुआ -13 दिया हुआ है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 28 प्लस ब्रैकेट में माइनस लगा कर 15 और फिर प्लस -13, इन सभी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप देख लीजिए ये हो गया 28 और -15 -13 कितना हो जाएगा -28, कट करेंगे कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। इसका मतलब इफ़ एक्स प्लस यहाँ पर एक्स प्लस यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आप एक ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऊपर लिख लीजिएगा इफ एक्स प्लस वाई प्लस और जेड इज इक्वल टू जीरो देन दिस होगा देन तब ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो तो हो गया हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इज इक्वल टू 3 × x। एक्स की वैल्यू क्या है 28 इंटू वाई की वैल्यू क्या है -15 इंटू जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पर लिखते हैं जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है -13 है। अब इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा 3 × 28 और माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते चलिए, देखिए आगे इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 16380 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा कौन सा है क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज 2.4 का न्यू बुक का। ठीक है, जो NCERT न्यू बुक है उसका ये लेटेस्ट बुक का ये 14 नंबर का क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को अपने जो भी आपके साथ के मित्र होंगे आपके क्लासमेट होंगे उनको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।